और सीधे गोरखपुर का रुख करेंगे, जहां सीएम योगी सभा को संबोधित कर रहे हैं। दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी और उन स्थितियों में कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन उद्यमियों ने पहले से अपना निवेश किया था, जब वे ही सुरक्षित नहीं थे तो नया निवेश कहां से आता, जो थे वही प्लान कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने, व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे, उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश का सरलीकरण करने का प्रयास किया, युवाओं को पीएम स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जोड़ करके उनको विकास के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने का कार्य किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। आपने फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट को देखा होगा। ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में अब तक इस वर्ष हमें 38 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। भाइयों बहनों, 38 लाख करोड़ का मतलब आप जानते होंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। आप सोचिए, जो नौजवान पहले नौकरी के लिए मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, हैदराबाद जाता था, चेन्नई जाता था, कोलकाता जाता था, आज उसको वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आज हमारे उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ जोड़ करके जब वो यही लगाएगा, उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे तेजी के साथ बढ़ रहा है। नौकरी और रोजगार की गारंटी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए उन्हें उस रूप में पारंगत करना यह महत्वपूर्ण है, और उसी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए ही आज यहां पर मैं फिर एक बार आया हूं। यहां पर हमारा प्रयास होना चाहिए। मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है, पहले भी कहा है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अनुसार आईटीआई को, पॉलिटेक्निक को, यहां के डिग्री कॉलेजेस को, उस प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्सेज के साथ, डिप्लोमा कोर्सेज के साथ जोड़ करके फिर उन नौजवानों को अगर हम उस रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसमें सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम का भी लाभ लेते हैं, तो उद्योग पर भी भार कम पड़ेगा, योजना भी सफल होगी, और साथ साथ हमारा नौजवान नौकरी और रोजगार पाकर के परिवार खुशहाल होगा तो समाज खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा तो प्रदेश और देश समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। यह उसी की श्रृंखला है, वही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है, और उसी प्रयास की श्रृंखला में आज हम सब यहां पर आए हैं। यहां पर सीपी मिल्क प्रोडक्ट्स के, ज्ञान डेयरी के इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आज यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, यहां पे तो डेयरी लग रही है, दूध तो खरीदा जाएगा, अब इसके बाद नंबर आएगा कि 1 लाख परिवारों में गाय और भैंस आ जाए। इसके लिए उन्नत नस्ल के गाय और भैंस को रखना, आप सोचिए, दूध का फैट के हिसाब से पैसा मिलेगा और 53 रुपए के हिसाब से डेयरी दूध ले रही है, 53 रुपए लीटर के हिसाब से, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी के साथ कोई देगा ये लोग दूध खरीदेंगे, और उसको खरीदने के बाद फिर उस दूध को दूध के रूप में पैकिंग करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो 1 लाख परिवार सीधे सीधे रोजगार के साथ जुड़ेगा। दूसरा, उन गाय और भैंस के लिए अच्छा पौष्टिक आहार मिले, इसका भी उद्योग लगेगा, उसके लिए किसान की उपज को भी ये लोग खरीदेंगे, भूसा है, धान है, जौ है, मकई है, सरसों है, गन्ना है,
और भी जो चीजें हो सकती हैं, इन सबको खरीदेंगे, उसका भी दाम किसान को अच्छा मिलेगा और साथ साथ नौजवानों को जहां पर